हाई माई ब्यूटिफुल पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है ट्रिपल वन टैर चैनल के अंदर और आज मैं आप लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ कि क्या आप अपने मिस्टर परफेक्ट और मिस परफेक्ट से मिल चुकी हैं क्या आप अपने फ्यूचर्स पाउड से मिल चुकी हैं आज सुबह ही मैंने एक प्यारा सा वीडियो डाला था अगर आप लोगों को पता हो तो कि अगर आप लोगों ने देखा है तो कि आपके फ्यूचर्स पाउस अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लोग वहां से जाकर के चेक इन कर सकते हैं ठीक है तो उसी की एक सीरीज के साथ कि आखिरकार आपके पर्सन आपके फ्यूचर्स पाउस से क्या आप मिल चुके हैं ओके okay. चलिए बहुत शफल किया और हमारे पास आया पेज ऑफ कप्स टेन ऑफ वॉन्स सेवन ऑफ सोड्स और ये कार्ड पहले भी गिरा ही था ओके okay, ऐसे लगाती हूँ इधर और इनको लगाती हूँ ऐसे इधर ठीक है आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहे होंगे कार्ड्स और एक कार्ड और लेंगे हम सो वी हैव पेज ऑफ पैनिकल्स ऑल्सो एक कार्ड और ले लेते हैं वी हैव अलॉट बट इतने सारे नहीं चाहिए भाई हमको हमें एक कार्ड चाहिए ठीक है हम यही वाला कार्ड लेंगे जजमेंट ठीक है ओके okay. तो हमारे पास है यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरीज लियो सेजिटेरियस लिब्रा एक्वेरियस टॉर्स वर्गो गोक एंड स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो मेन है यहाँ पे ठीक है क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं मिल तो चुके हैं भाई ठीक है मिल तो चुके हैं और आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो कोई ऐसा बंदा है जिसने ना आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया है आपने इस पर्सन की वजह से ना काफ़ी कुछ झेला है अपनी ज़िंदगी में लाइक like, uh, काफ़ी कुछ हो सकता है काफ़ी कुछ काफ़ी कुछ आपने झेला है इस पर्सन की वजह से अपनी ज़िंदगी में एक तरीके का धोखा एक तरीके का बर्डन एक तरीके का स्ट्रेस भी मुझे नजर आ रहा है काफी लोगों के लिए कि आप लोगों ने एक तरीके का स्ट्रेस भी झेला है इस पर्सन की वजह से और अभी आप इस पर्सन से नो कॉन्टेक्ट सिनारियो या फिर ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में है श्योर sure. इन दिनों आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहते हो अच्छा कुछ क्रिएट करना चाहते हो लाइफ में एंड uh, दूसरी चीज मुझे लग रही है कि आप चाहते हो कि आगे से आगे कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट हो आपकी ज़िंदगी में ठीक है आप रुको नहीं लेकिन आप इस पर्सन की वजह से रुक से गए हो थम से गए हो ठीक है इस पर्सन की ज़्यादा हाइट तो मुझे नहीं नज़र आ रही है लाइक थोड़ा सा मैं फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी दे देती हूँ आपको तो ईजी हो जाएगा इतनी ज़्यादा हाइट तो मुझे नहीं लग रही है ठीक ठीक हाइट होगी ओके okay? आपसे थोड़ी सी ज़्यादा ही हो सकती है जो लड़कियाँ देख रही हैं उनके लिए और लड़कों के लिए कि आपसे जो है ये बंदी ना बराबर की होगी ज़्यादा लंबी या ज़्यादा छोटी मुझे नज़र नहीं आ रही है ठीक है दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे लग रही है कि हो सकता है बंदा इतना ज़्यादा अबेंडेंट ना हो ठीक है ये भी हो सकता है कि जो पर्सन है आपके वो इतने ज़्यादा अबेंडेंट इतने ज़्यादा रिच ना हो ओके अभी बहुत कुछ क्रिएट करना है इन्हें और इनके घर वालों ने ना भाई बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रखी है आप दोनों की जिंदगी में ठीक है ये भी हो सकता है इस वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों अभी जुदा हो मैजिशियन काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो आप ठीक है स्पिरिचुअल से हो गए हो आप इस पर्सन के आने के बाद ठीक है देन वी हैव सिक्स ऑफ सो फिर है हमारे पास जजमेंट फिर है हमारे पास टू ऑफ पैनिकल्स दो कार्ड्स और निकालेंगे बहुत सारे निकल गए बट इतने सारे चाहिए नहीं दो कार्ड्स ओके फिर है हमारे पास यहाँ पे पेज ऑफ सोट्स एंड वन मो कार्ड वी हैव द टावर ओके okay. हम्म hmm. वही चीज़ आ गई ना जो मैंने आपको बोली अभी थोड़ी देर पहले कि इस बंदे की वजह से आपने अपनी जिंदगी में ना काफ़ी ज़्यादा उलझने देखी हैं एक क्षण आपकी ज़िंदगी में ऐसा भी आया है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हो इस पर्सन की वजह से कि मुझे किसे चूज़ करना चाहिए क्या चूज करना चाहिए हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन भी आया हो ओके okay? इस दौरान और आप ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहे हैं उस चक्कर में भी कि आपको अभी क्या चूज़ करना चाहिए क्या नहीं और आपने चीज़ों को ना बीच में मिड में रख रखा है अभी ठीक है आप अपनी ज़िंदगी में इस बंदे के आने के बाद एक तरीके की ऐसी जर्नी पर निकल गए हो एक तरीके की ऐसी सरकम ट्रांसेस वाली जर्नी चल रही है ना कि आपको समझ ही नहीं आ रहा आगे क्या होने वाला है जस्ट यू थिंक कि आ, मुझे मिलना चाहिए कर्मा मैंने जो इतने अच्छे कर्म करे मैं जो इतना सब कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ मुझे उसका फल मिलना चाहिए ही चाहिए आपके दिमाग में ये थाट आ जाता है फिर ठीक है दूसरा और कोई थॉट नहीं चल रहा है बस अपने पैसे को लेकर के मनी को लेकर के फाइनेंसेस को लेकर के थोड़ा सा ठीक तरीके से सबको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो ठीक है सब कुछ स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो तो फॉर श्योर हमारे जो आज के रीडिंग का टॉपिक था कि क्या आप अपने फ्यूचर पाउस से मिल चुके हो यस बहुत स्ट्रांग एनर्जीज चल रही हैं आपके पर्सन की ठीक है क्योंकि बंदा भी खुश नहीं है पर्सन भी खुश नहीं है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ चल रही है इमोशनल फ्रीडम इमोशनल फ्रीडम वी हैव द रेनबो रिवाइवर बंदा एनर्जीज चाहता है इंडिपेंडेंस चाहता है शांति चाहता है इमोशनली फ्री होना चाहता है कुल मिलाकर के आगे बढ़ना चाहता है आपको कमिटमेंट भी देना चाहता है ओके जी ये कुछ आपके पर्सन की तरफ से आपको थे साइंस चलिए कुछ कार्ड्स भी देख ही लेते हैं मैसेजेस के आपके पर्सन की तरफ से ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे आप मिल चुके हो गाइस अपने फ्यूचर्स पाउस से मिल चुके हो ठीक है आप लोग जानते हो अपने फ्यूचर स्पाउस को अच्छे से आप इस बंदे की वजह से बदल गए हो मतलब इसके आने के बाद आपने ना अपने अंदर एक तरीके का एक्सट्रीम चेंज देखा है यू आर वेरी क्यूट एंड अडोरेबल यू आर वेरी फनी देन यू नेवर गिव अप ऑन मी यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस ठीक है तो ये कुछ उनकी तरफ से आपको मैसेजेस थे सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टू डेज रीडिंग आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी अगर आई है तो प्लीज मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें इफ नए हैं तो और अपनी किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं लव यू बहुत सारा बाय